अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नदीम खान और आप देख रहे हैं इस्लामिक बुक। दोस्तों, आज मैं आप सभी को जाड़ में होने वाले, दांतों में होने वाले दर्द को दूर करने के लिए एक बहुत ही अच्छी दुआ बताऊंगा। इस दुआ के पढ़ने से अगर आपके दांतों में दर्द रहता है तो वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अगर आपकी जाड़ दुखती है, जाड़ चीसती है, जाड़ में कुलन होती है, या आपके दांतों में ठंडा गर्म पानी लगता है, या आपके किसी भी दांत में दर्द हो रहा है, तो आज मैं आप सभी को एक ऐसा वजीफा बताऊंगा, एक ऐसा अमल बताऊंगा जिसके पढ़ने से, जिसके करने से आप बहुत ही जल्द और बहुत ही आसानी से दांतों के दर्द को दूर कर सकते हो। जाड़ दांत के दर्द को दूर करने के लिए आज मैं आप सभी को एक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त दुआ बताऊंगा। दुआ क्या है, कितनी बार पढ़नी है, कितने दिनों तक पढ़नी है, इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आखिर तक मेरे साथ बने रहिए। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर उसके बाद बराबर वाले घंटे के बटन को भी जरूर दबा देना, ताकि ऐसी ही नॉलेजेबल जानकारी आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। चलिए सबसे पहले बात कर लेते दुआ के बारे में। दुआ कुछ इस तरह से है, इजाजुल जिलतिल अर्जु जिलजालहा। दुआ को एक बार और सुन लीजिए, इजाजुल जिलतिल अर्जु जिलजालहा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इस दुआ को पढ़ना किस तरह से है। दोस्तों, आपको अपनी एक उंगली या दो उंगली लेनी है और इस दुआ को एक बार पढ़ना है और पढ़कर उन उंगली पे दम कर देना है और उस उंगली को मुंह के अंदर ले जाकर चुटकी से उस दांत को या उस जगह को पकड़ना है जहां पर दर्द हो रहा है, और फिर थोड़ी देर बाद छोड़ देना है और फिर दोबारा से इसी अमल को करना है, इसी दुआ को पढ़ना है और उंगलियों पर दम करके फिर से उस दर्द वाली जगह को पकड़ लेना है, फिर से छोड़ देना है और इसी तरह दो तीन बार करना है। एक बार में दो तीन बार इस दुआ को पढ़ना है और इस अमल को करना है, और एक दिन में दो तीन बार इस अमल को करना है। इंशाल्लाह आपके जाड़ दांत का दर्द बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। इस अमल को करने से जाड़ दांत का दर्द भी खत्म हो जाता है और ठंडा गर्म पानी लगना भी बिल्कुल बंद हो जाता है। जाड़ दांत चीसती है, दांतों में दर्द होता है या ठंडा गर्म पानी लगता है, तो इन सभी बीमारियों को, इन सभी समस्याओं को खत्म करने के लिए इस अमल को करना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। बहुत ही ज्यादा जबरदस्त ये अमल है दांतों के दर्द को दूर करने के लिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज की ये जानकारी आप सभी को कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना, और इस जानकारी को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर कर देना, ताकि हर एक शख्स फायदा उठा सके।